पंचायतों में प्रधान पद काफी इम्पोर्टेंट माना जाता है और इसी के लिए इस बार काफी ज्यादा जो प्रतिस्पर्धा है वो देखने को मिल रही है। आज हम पहुंचे हैं मझोग सुल्तानी पंचायत में, जहां प्रधान पद के लिए दावेदारी पेश की है बुद्धि सिंह ने। बुद्धि सिंह एक ऐसा नाम है जो इस क्षेत्र के लिए काफी ज्यादा परिचित है। बुद्धि सिंह, सबसे पहले तो आपका स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद सर। आप पहले भी यहाँ से उप प्रधान रह चुके हैं, जो पंचायत के जो रोस्टर्स हैं, जो काम कार्य प्रणाली है, उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा आप जानकारी रखते हैं। क्या आपकी जो उम्मीदें हैं और क्या आप जो है वो इस बार करने जा रहे हैं इस पंचायत के लिए? देखो सर, इस बार जो मैंने अपनी पंचायत से प्रधान पद के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ, पिछली बार लोगों ने मुझे उप प्रधान पद के लिए चुना था और भरपूर समर्थन दिया था, तो उसी के चलते हुए इस बार मैं ग्राम पंचायत मझोग सुल्तानी से प्रधान के पद पर जो है इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और अगर लोग इस बार मेरे को पिछली बार की तरह भरपूर समर्थन देते हैं और देंगे भी, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है, पूरा यहाँ पे जो मेरी पंचायत है मझोग सुल्तानी, यहाँ पूरे लोग, जो नौजवान तबका है वो पूरा मेरे साथ है, महिलाएं मेरे साथ हैं और बुज़ुर्गों का मेरे को भरपूर आशीर्वाद है। जैसा कि जब पिछली बार मैं जीत के आया था तो हमने जो है बहुत से जो है लोगों के साथ, लोगों के जो है हर वार्ड में जो है वो जाके काम किए हैं, और लोगों के जब भी कोई सुख दुख में जो है हम लोगों के बीच जाते रहे हैं। तो इस बार भी मैं जब गांव में जा रहा हूं तो मेरे को जो है भरपूर समर्थन मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि जो कई बार लोग जीत कर आते हैं और जब चुनाव आते हैं तभी जो है वो लोगों के बीच जाते हैं, हमारा ऐसा नहीं है। हमने हर एक वार्ड में जो है वो काम किया है और इसी के चलते जो है इस बार भी लोगों ने मेरे को जो है बोला है कि इस बार आपने प्रधान पद के लिए जो वो खड़े होना है। अब बुद्धि सिंह जी, कई एक बात करें क्योंकि आप समाज सेवा से भी जुड़े होते हैं, युवाओं की आपने बात की है, पीछे काफ़ी ज़्यादा टूर्नामेंट्स आपने इस क्षेत्र में करवाए हैं, क्या कहेंगे, क्या युवा जो है वो इस फील्ड में जो उतर रहे हैं तो क्यों मोटिवेट हो रहे हैं? देखो जी, मैं इससे पहले भी जब कोई पंचायत में कोई इस गतिविधि में मेरा कोई भाग नहीं था, तो मैं ऐसे हर बार जो है वो हम टूर्नामेंट से लड़ते हैं, मैं खुद भी एक नेशनल लेवल का स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, तो यूथ का जो है मेरे को दिल से जो है वो समर्थन मिलता है। और अब आप देख रहे हैं कि नौजवान भी जो है इस फील्ड में जुड़ रहे हैं और लोग जो है अब नौजवानों को पसंद कर रहे हैं, जैसा कि लोग बोल रहे हैं कि नहीं, अब जो है नौजवानों को मौका देंगे और पढ़े लिखे जो है नौजवान जो है इसमें आ रहे हैं, कोई इंजीनियर है, कोई बीटेक है, तो इससे जो है पंचायत की भी उन्नति होगी और पंचायत का जो विकास जो है वो भी आगे जाएगा। बुद्धि सिंह जी, कहीं ना कहीं बात करें क्योंकि ये जो इलेक्शंस होते हैं ये पार्टी स्तर पर नहीं हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप को माना जाता है कि आप जो सुजानपुर के विधायक हैं उनके काफ़ी करीबी रहते हैं, कितना फ़ायदा आप सोचते हैं कि इससे जो मिल सकता है आपको? देखो जी, मैं एक बात बोलना चाहूँगा, क्योंकि इसमें तो पंचायत जो चुनाव होता है वो कोई सिंबल पर नहीं होता है। हाँ, मेरा जो विचारधारा है वो ठीक है, हम राणा जी के साथ हैं और ये सभी को पता है। और राणा, अगर बात करें यहाँ पे के विधायक जो हैं राजिंदर राणा जी की, तो राणा जी ने भी कभी भी किसी भी, जो किसी की भी विचारधारा के लोग हैं, किसी के साथ कोई मतलब पार्शलिटी नहीं किया है, सभी को एक समान दर्जे से देखा है और हम भी उनके ही नक्शे कदम के ऊपर जो है वो चलते हैं। हमने भी किसी भी विचारधारा के लोग हैं, हमने कभी भी किसी के साथ जो है वो कोई पार्शलिटी नहीं है, सभी को एक समान नज़र से हमने देखा है और सभी के जो है काम जो है वो, जो हमारे मतलब करने वाले थे वो हमने जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पर किया है, और जो हमारे मतलब विरोधी भी थे उनके भी हमने काम करने की पूरे पूरे कोशिश की है, और हमें जो है जो विरोधी पक्ष है वो भी हमें बहुत पसंद करता है। आप